तो मेरे सामने ये देख रहे हैं मिस्ट्री बॉक्स, मैं थोड़ा देर में आया, ठीक है उसके लिए। तो मिस्ट्री बॉक्स में आपने थंबनेल में पता ही कर लिया है कि क्या है, तो आप इसकी करेंगे सीधे अनबॉक्सिंग और ले चलते हैं कि इसके अंदर क्या आपको दिखाते हैं और किस तरह का है। सो देर नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर ऐसे पहले टेबल पर स्टेबल कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। उससे पहले वीडियो का रेजोल्यूशन को कर लीजिए हाई मोड पर, क्योंकि मैंने जो वीडियो स्टार्ट कर दी वो 2K रेजोल्यूशन पर आप लोगों को मिलेंगी। सो आपको करना है सेटिंग जाना है, सेटिंग में एडवांस पर जाना है, और एडवांस में जाने के बाद जहां पर जो आपका मोड आ रहा है वीडियो रेजोल्यूशन का उसको हाई पर सेट कर लीजिए, ठीक है। सो अब मेरे सामने ये बॉक्स है और मैं इसकी जो है आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूं। तो अब इस बॉक्स की कर लेते हैं फटाफट से अनबॉक्सिंग। कुछ इस तरह से ही मेरे पास कटर है, ठीक है, आप लोग इसको जो है सावधानी पूर्वक यूज किया। तो अमेज़न वालों ने मुझे बॉक्स भेजा था और पैकेजिंग जो है काफ़ी अच्छी खासी इन्होंने करके दी थी बॉक्स की, और बॉक्स में बहुत सारी टेपिंग थी तो इसको खोलने में भी काफ़ी समय लग गया था। बट जो अंदर की पैकेजिंग वगैरह है वो बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने पैक की, गत्ते वगैरह की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। ज़्यादा कर देते हैं लोग ताकि पैकेजिंग अच्छी रहे, ठीक है। और ये जो है टैंकर है, निकलने जा रहा है। ओके, सो ये है रिंग लाइट हमारी, ठीक है, देख सकते हैं आपको शो रहा होगा रिंग लाइट, ठीक है। कंपनी का नाम एक बार चेक कर ले रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर इसमें कंपनी का नाम तो कहीं मेंशन नहीं है कि किस कंपनी की है, बस केवल लिखा हुआ रिंग लाइट, ठीक है। डोंट वरी, इसको मैं किनारे कर देता हूँ अभी फिलहाल, और जो है स्टैंड उसको भी निकाल लेते हैं। तो ये स्टैंड और ये लाइट और इस बड़े वाले गत्ते को फिर से कर देते हैं हम किनारे एक बार फिर से। उप्स मोमेंट हो गया यहाँ पर, तो इसको कर देते हैं किनारे और यहाँ से इसको निकाल लेते हैं। ये इसके साथ में मिला हुआ है, ठीक है, अटैचमेंट है। और ये जो है हमारी सेल्फी स्टिक है, तो ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ी है। और क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी ठीक है इसकी, अभी मुझे ज़्यादा तो नहीं इसके बारे में पता चला कि क्वालिटी कैसी है, ठीक है, क्योंकि अभी तो मैंने इसकी अनबॉक्स किया। मैं इसको पूरा प्रॉपर सेट करूँगा और सेट करके फिर आप लोगों को वीडियो में दिखाता हूँ। बट और भी देख लेते हैं क्या क्या इसके साथ में मिला हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है इक्विपमेंट मिले हैं। और सो ये जो है यहाँ से स्क्रू वगैरह इसको ढीला करके आप यहाँ से इसको और बड़ा कर सकते हैं कुछ इस तरह से, आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियरली, ठीक है। सो मैं जो है रिंग लाइट को जल्द से जल्द अटैच करके आप लोगों को दिखाता हूँ। इस रिंग लाइट को भी ओपन करके हम लोग देख लेते हैं कि कैसा है रिंग लाइट वगैरह, ठीक है। इसको मैं यहाँ से ओपन कर ले रहा हूँ बॉक्स को, और ये इसके साथ मिला हुआ है मेरे को स्पीकर, क्या लिखा है स्पीकर में देख लेते हैं, टाइगोड कंपनी का है, ठीक है, देख सकते हैं टाइगोड कंपनी का ही मैंने मंगाया हुआ है और इसके अंदर जो है कंपनी का नाम मेंशन है, तो मैं रॉन्ग था इस चीज़ के लिए। इस बॉक्स को कर देते किनारे और इसके साथ इक्विपमेंट्स है, इक्विपमेंट्स में ये अटैचमेंट है इसका देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है आपका जो फ़ोन का होल्डर वगैरह है वो आप इस तरीके से जो है सेट कर पाएंगे, फ़ोन का होल्डर है, ठीक है, उसमें सेट कर पाएंगे। और ये भी इसी का ही इक्विपमेंट है कुछ इस तरह से फंसाने के लिए, अभी इसको अटैच करके आप लोगों को जल्द से जल्द दिखाता हूँ, तो बने रही वीडियो। और ये हमारी रिंग लाइट, इसको किनारे कर लेते हैं कुछ इस तरह से और रिंग लाइट भी आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। तो ये USB में है और ये इसका मोड वगैरह दिए हैं, देख सकते हैं रिंग लाइट दिख रही होगी आप लोगों को, काफ़ी क्लीन और शार्प है इस तरीके से, मतलब फिनिशिंग वगैरह में। अभी लाइट जल तो नहीं रही है तो नहीं पता चल पाएगा, USB के थ्रू ये वर्क करेगी और इसमें कई सारे मोड दिए हुए हैं। सो इसमें दिखाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि रिमोट में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, रिमोट में बना हुआ है प्लस, ठीक है। इसके बाद ये शायद मोड है वॉर्म और कई लाइट को जो चेंज करने के लिए 3 मोड्स दिए हैं, ये कम ज़्यादा कर सकते हैं उसकी ब्राइटनेस वगैरह को, और ये ऑन ऑफ के लिए दिया हुआ है। सो अभी इसको भी मैं आपको जल्द से जल्द अटैच करके दिखाता हूँ वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में। सो अब ये इसको असेंबल करके मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये है सेल्फी स्टिक 7 जो फिट की है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ओपन कर ले रहे हैं, यहाँ से जो है इसमें पार्टीशन देख सकते हैं, थोड़ा सा पास से दिखा दीजिए इसको, और इसको यहाँ से थोड़ा सा ढीला कर लेंगे पहले। तो ढीला करने के बाद कुछ ये जो है यहाँ से 2 पार्ट दिए गए, इसको भी ढीला कर लेंगे, और ये इतनी बड़ी लगभग ये हो जाती है 7 फीट की, देख सकते हैं ये यहाँ से देख लीजिए, ये 7 फीट के लगभग है, लंबी है काफ़ी, आपको दूर से दिख रही होगी। और यहाँ से इसको हमें टाइट करना पड़ेगा, तो मैं अपने इसके अकॉर्डिंग रख लेता हूँ, यहाँ ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे इसको, और मैंने इसको यहाँ से इसको टाइट कर लिया है सिंपली, इसको भी सिंपल यहाँ पर टाइट कर देंगे, ठीक है। क्वालिटी की बात कर लें तो क्वालिटी ठीक ठाक है, बहुत अप टू मार्क नहीं रहेंगे, एवरेज क्वालिटी है, लेकिन ठीक है इस प्राइस रेंज पे अगर 800-900 रुपये में आपको मिल रहा है तो बेटर एक्सपीरियंस है आपके लिए, ठीक है। सो अब इसको मैं ओपन कर ले रहा हूँ यहाँ से, और इसको छाते के तरीके बिल्कुल यूँ खोलना है, और जब इसको बंद करेंगे तो ये फ्लिप करके पीछे की तरफ कर लेंगे इस तरह से कुछ। तो इसको हल्का सा मैंने इसको फैला लिया, ठीक है, और यहाँ फैलाने के बाद
अब आप अपने हिसाब से इसको यहाँ से ये जो स्क्रू दिया गया है इसको यहाँ से आप इसको इस तरीके से टाइट कर पाएंगे। मैं इसको यहाँ पे टाइट कर ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसको टाइट कर लिया है प्रॉपर। ज़्यादा टाइट नहीं करिएगा क्योंकि वोल्ट क्या होते हैं जो इसके हैं स्प्रिंग, वो आपकी लूज़ हो जाएगी, फिर जो है आपका वर्क नहीं करेगा। अब इसको मैं सिंपल यहाँ पे खड़ा कर लेता हूँ, और ये जो है काफ़ी बड़ा है तो इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं अपने मतलब एरिया के अकॉर्डिंग अपने, कि भाई अगर हम लोग सेल्फी अगर बनाएंगे मान लीजिए लेते हैं वीडियो बनाते हैं तो इतना प्रॉपर एरिया हो, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल यहाँ पर कर ले रहा हूँ सेट, और इसके बाद मैं इक्विपमेंट्स लेता हूँ ये। सो ये चीज़ें दी गई हैं, ये देख लीजिए, ये अटैचमेंट है इसका, ये आप हटा भी सकते हैं इसको अभी ज़रूरत हो, लेकिन इसको लगा रहने दीजिए, इसका यूज़ रहेगा, मैं दिखा रहा हूँ कैसे। इसके बाद आपको करना क्या है, इसको ये जो बॉल है इसको अंदर से प्रेस कर देना है इस तरीके से, थोड़ा सा टाइट है, थोड़ा सा ध्यान से आपको करना है इसको, आप पहले निकाल ही लीजिए उसके बाद करिए, ठीक। तो ये इस तरीके का कुछ दिखेगा, और यहाँ से इसको थोड़ा सा दबा दिया, दबाने के बाद यहाँ से आप इसको फिर से टाइट कर लीजिए अब, और इसको हल्का सा टाइट कर दे रहे हैं, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब ये जो है ये आपका कहाँ लगेगा ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो सब्सक्राइब पहले करो, नहीं तो वीडियो आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है, और लाइक जल्दी से कर दो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको भी दिखा दे रहा हूँ आपको, इसका सेटअप कुछ इस तरह से रह गया, इसको मैं हटा ले रहा हूँ यहाँ से, इसका कोई यूज़ नहीं रहेगा, ठीक है। और इसके बाद आपको करना क्या है, इसको अटैचमेंट करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से, देख लीजिए आप, मैं इसको कर देते हैं किनारे, इसका यूज़ अभी फिलहाल नहीं है। ये जो लट्टू देख सकते हैं इसमें ये स्क्रू दिया गया टाइट करने के लिए, तो ये कहाँ पर लगेगा इसको आपको कर लेना है कुछ इस तरह से, यहाँ पर टाइट, सॉरी यहाँ पर करना है। एक्चुअली ये जो पिन दी गई है, पहले क्या हो रहा था यहाँ पर जो मैंने ये दिखाया बोल्ट आता था, आप लोगों ने कई सारे यूट्यूब पर वीडियोज़ देखी होंगी, तो यहाँ पर क्या था एक बोल्ट दिया रहता था जिससे आप टाइट कर सकते थे। अब इन्होंने इसको प्लास्टिक दे रखी है जो इस तरह से कुछ अटैचमेंट होगी, देख सकते हैं, उसके बाद अपने फ़ोन को कुछ इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। अगर हमको हॉरिजॉन्टल रखना है तो हम इस तरह से रखेंगे, और वर्टिकल रखने के लिए हमें ये करना है, ठीक है। तो इसका काम अभी बाद में है, फिलहाल मैं इसको यहाँ पर जो है कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे। सो जो लट्टू है उसको हम कर लेते हैं टाइट कुछ इस तरह से, को थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं ताकि ये फिसले ना, और जल्दी से ये बराबर से टाइट हो जाए, ठीक है। तो इसको भी टाइट कर लीजिए और इसको घुमाइए फिर इस तरह से कुछ, तो ये जल्दी टाइट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये टाइट हो चुका है ऑलमोस्ट, ये टाइट हो गया है, ठीक है। अब इसको हल्का सा लूज करके अपने अकॉर्डिंग जो इसको बराबर से सेट कर लेंगे। अब ये देखिए ये इस तरह से कुछ सेट हो चुकी है रिंग लाइट, ठीक है। अब हमें क्या सेट करना है, अब हमें करना है इस पर सेट, चाहे तो आप इसको पहले कर लेते इसको बाद में, तो मैं इसको बाद में कर रहा हूँ, और यहाँ से अब इसको मैं सेट कर ले रहा हूँ घुमा करके, ठीक है। ये तार भी लंबा दिया गया, और इसको जो USB अगर आपके पास पावर बैंक है तो पावर बैंक से कर लीजिए, और अगर पावर बैंक नहीं है तो आप जो है फिर चार्जर वगैरह से भी इसको यूज़ कर पाएंगे। सो डिपेंड करता है आप जिस पे भी अपने जिस परफेक्ट रहे आपको जो भी चीज़ है उस पर आप जो है इसका यूज़ करें। सो अभी ये जो है तार वगैरह उलझ गया है, इसको पहले किनारे कर ले रहे हैं, मैं आपको दिखाने के लिए और कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरीके से सेट हो गया, और इसको टाइट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये सेट हो चुका है, थोड़ा सा इसको और टाइट कर देंगे ताकि ये हिले ना, देखिए ये यहाँ से टाइट हो जाएगा तो हिलेगा नहीं, अभी ये हिल रहा था ना, तो ये एक बार और घुमा देंगे इस तरीके से, और ये जो लट्टू हिल रहा है ये आपका टाइट हो जाएगा, यहाँ से और टाइट कर दीजिए तो अब ये हिलेगा नहीं, और ये प्रॉपर थोड़ा सा और सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये सेट हो चुका है यहाँ से, ये प्रॉपर देख लीजिए सेट हो चुका है। अगर ये आपको ज़्यादा लंबी लग रही है तो थोड़ा सा आप इसको और हल्का सा डाउन कर सकते हैं यहाँ पर फेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब ये सेट हो गया है, अब मुझे इसको क्या करना है, USB में आपको सेट करके दिखा रहा हूँ। उसके लिए क्या करना है, पहले तो मैं फ़ोन को अपना सेट कर लेता हूँ यहाँ से, और ये जो है इसको मैं लगा ले रहा हूँ ताकि जो है आराम से आप लोगों को दिख जाए। सो ये देख सकते हैं ये इसका इक्विपमेंट है, और यहाँ से इसको इस तरह से अटैचमेंट करना है। ये थोड़ा सा ढीला रहता है, ये आपको ढीला लग रहा है, ठीक है, ये हल्का सा नीचे हो गया, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर ले रहा हूँ। अब जो थोड़ा सा यहाँ से अपने हिसाब से टाइट कर लेंगे, ठीक है, ताकि ये नीचे ना जाए, और ये भी हो चुका है। अब ये क्या है, ये इस तरह से आपका रोटेट रहेगा, ये देख लीजिए, अगर आपको वर्टिकल या बनाना है तो। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा काफ़ी, क्योंकि ये जो है यहाँ पर ये पीछे थोड़ा सा ये जो नॉब देख रहे हैं, पास से दिखाइए इसको थोड़ा सा,
तो ये जो नॉब है ये बहुत ही ढीली है, तो यहाँ पर आपको या तो एक काम करिए, आप इस चीज़ को हमेशा के लिए फिक्स कर लीजिए इस तरीके से कुछ यहाँ पर लगा करके, क्योंकि ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है आपको। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को दिखाता हूँ कैमरा वगैरह की लाइट वगैरह जला करके। तो लाइट देखिएगा, अब इसको मैं लगा रहा हूँ इसके USB पोर्ट में, आप बने रहिए चैनल में। और थोड़ा सा इसको पीछे कर लेते हैं, पावर बैंक से कनेक्ट कर सकते हैं आप इसे, पावर बैंक अगर नहीं है तो जो भी सिंपल चार्जर उससे कनेक्ट कर दीजिए कुछ इस तरह से। और कनेक्ट करने के बाद पास से दिखाइए थोड़ा सा ला करके, तो और पास ले आइए यहाँ से। तो मैं थोड़ा मोड चेक कराना चाहूँगा इनको व्यूअर्स को, और पास ले आइए कैमरे को थोड़ा सा यहाँ पर इस मोड की तरफ। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये मोड आ रहा है ऑन ऑफ का, इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ। ये ऑन ऑफ का मोड है, ये प्लस और माइनस का दिया गया, प्लस माइनस का। और ये जो है ये आपको तीन मोड दिखाएगा, वार्म लाइट का होगा, मिल्की वाइट आएगा, और एक जो हल्की सी येलोइश कह सकते हैं विंटेज लाइट, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो तीन कलर के मोड में चलेगा। तो अभी मैं इसको सिंपल ऑन कर रहा हूँ और देखिएगा आप यहाँ पर लाइट वगैरह जलेगी यहाँ से। ठीक है, और इफेक्ट भी देख सकते हैं कितना इफेक्ट वगैरह पड़ता है यहाँ से। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं आगे भी आऊँगा इसके आगे, अभी तो आप पीछे देखेंगे तो थोड़ा धुंधला दिखेगा, तो मैं आगे भी आ जाऊँगा। तो मैंने इसको सिंपली ऑन कर लिया, तो देख सकते हैं स्क्रीन की लाइट जो है, ये अपनी स्क्रीन की लाइट क्या बोलेंगे, जो रिंग लाइट है वो जल चुकी है। और अभी कैमरा नहीं लगा, तो जिस कैमरे से मैं इसी के सामने आ जा रहा हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो अब देखिए उधर से अगर ये वीडियो बनाएंगे, मान लीजिए मेरा फेस यहाँ पर है, तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप लोगों को दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, और ये आगे रहेगा थोड़ा सा कैमरा, तो कैमरे को थोड़ा सा आगे ले आइए, क्योंकि यहाँ पर लगे रहने चाहिए कैमरा। तो आप ये सोचिए ये रिंग लाइट के बाहर आएगा ना कि अंदर रहेगा, तो आप थोड़ा सा कैमरे को बाहर ले आइए। और भाई कैमरामैन के लिए एक बार प्लीज़ सभी लोग जो है बोलिएगा, क्योंकि जो कैमरामैन है वो मेरे फैमिली मेम्बर है, मेरी वाइफ ही शूट कर रही है। ठीक है, तो आप लोगों को दिख गया होगा कि अब क्वालिटी कुछ बेटर लग रही है कि नहीं। और इसी को मोड चेंज करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो वो मोड आपको चेंज करके दिखाएंगे। तो बीच वाली बटन दबाइए एक बार, तो देखिए ये लाइट आपको दूसरी थोड़ी सी हो गई है, ये विंटेज लाइट हो गई। मैं तो विंटेज बोल रहा हूँ, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और इसके बाद एक मिल्की वाइट और है लाइट, मैं उसको भी करके दिखाता हूँ। तो ये वाइट जैसे टोन होता है ट्यूबलाइट होती है घर में, कुछ उस तरह का मोड आप लोगों को नजर आएगा। और मैं क्या करूँ, अभी ये लाइट जल रही तो मैं इसको ऑफ करके दिखाता हूँ, उससे आपको थोड़ा और अंदाजा लगेगा क्लियरिटी का। अब आप देखिए किस तरह का है। ठीक है, और पहला मोड हो चुका है, इसके बाद दूसरा मोड कर लेते हैं। दूसरे मोड में कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा, इसके अलावा तीसरा मोड भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ यहाँ से, और तीसरा मोड में कुछ इस तरह का। और इसके प्लस माइनस थोड़ा सा माइनस करके दिखाइए, क्योंकि अगर ब्राइटनेस, तो अब मैं इसमें दिखा दे रहा हूँ थोड़ी सी ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल करके। देखिए फेस पर मेरी जो ब्राइटनेस आ रही है अभी काफ़ी है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा ब्राइटनेस की अगर नहीं नीड है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग ब्राइटनेस वगैरह को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो और ज़्यादा डिम कर लेते हैं, देखते हैं कितनी डिम हो जाती है, और डिम करिए। तो ये लास्ट डिम है इसका, इतना पे रहता है नॉर्मल पे, और इसको थोड़ा सा परसेंटेज बाई परसेंटेज बढ़ाते हैं तो कुछ इस तरह का ग्लो करती है। तो इसको सबसे हाई पर कर दीजिए, देखते हैं कितना होता है हाई, और कर दीजिए तो काफ़ी ग्लो है। और मैं थोड़ा सा दूर जाता हूँ, तो दूर जाकर के आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। और बताइए आप लोगों को किस तरह की रिंग लाइट लगी है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी, क्योंकि काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाई। और भाई वीडियो को स्किप करके मत देखा करो, चैनल को सपोर्ट करो। टेक्नोबॉडीज आशीष को मैं इसी तरीके के आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देता हूँ। 2023 आ गया, वीडियो रेजोल्यूशन को कर लो हाई पर, क्योंकि आप यहाँ पर मिलती हैं आपको वीडियोस 2K रेजोल्यूशन। सो आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद नहीं होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।